अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारा सारा दर्द छत से छूमंतर कर। आखिर क्या कहानी है उल्लू की वेब सीरीज पलंग तोड़ दामाद जी की, तो चलिए जानते हैं। इसमें दो अदाकारा है, एक राजसी वर्मा और दूसरी आयुषी जायसवाल, दोनों भी बहुत मस्त अदाकारा है। वेब सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि मोहन नाम का एक लड़का मोबाइल शॉप चलाता है। शॉप में काम करते वक्त उसे अपने बीवी का कॉल आ जाता है। बीवी से मीठी बातें करके वो कहता है कि मैं घर पे आता हूँ, और वो घर पे चला जाता है। जैसे ही वो डोरबेल बजाता है तो उसकी बीवी दरवाजा खोलते ही उसे कहती है कि गेस करो मैंने खाने में क्या बनाया। मोहन कहता है मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ तुमने क्या बनाया। तो उसकी बीवी कहती है कि मैंने मटन बनाया है। मोहन कहता है कि तुमने मटन कहाँ से लाया, तुम तो बाजार नहीं जाती हो। तो उसकी बीवी कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को कॉल किया और उसने मटन लाके दिया और मैंने मस्त मटन बनाया। मोहन को अचानक याद आ जाता है कि मैं तो मेरा मोबाइल शॉप पर भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। और मोहन वहां से निकल जाता है और उसकी बीवी कुमुद किचन में मटन बना रही होती है। बहुत देर हो जाती है, मोहन अभी तक आया नहीं, इसलिए कुमुद उसको कॉल करती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। कुमुद परेशान होती है और उसका इंतजार करने लगती है। तभी थोड़ी देर से बेल बजती है और एक आदमी मोहन को लेकर आता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया होता है। मोहन लंगड़ते बिलकते आता है और फिर बैठ जाता है। कुमुद रोने लगती है और कहती है ये कैसे हुआ। मोहन कहता है एक्सीडेंट हो गया यार, अच्छा हुआ मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मैं मर भी सकता था। फिर रात हो जाती है और मोहन और कुमुद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। कुमुद उससे कहती है कि मैंने मेरी मॉम को कॉल कर दिया है, वो कल आ जाएगी क्योंकि कल मैं ऑफिस जाने के बाद तुम्हारा कोई तो रहना चाहिए ना ख्याल करने के लिए। तब मोहन हंसता है और कुमुद के साथ रोमांस करने लगता है, पर कुमुद उससे कहती है तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना, तुम ये सब कैसे कर पाओगे। तो मोहन कहता है कि चोट पैर में लगी है, मेरी बंदूक में नहीं। फिर दोनों फुल संदूक खोलकर रोमांस करने लग जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर सुबह हो जाती है और कुमुद किचन में काम कर रही होती है। अचानक डोरबेल बजती है और कुमुद की मॉम आ जाती है जिसका नाम रंजना रहता है। रंजना कहती है कि दामाद जी कहाँ है, तो कुमुद कहती है वो अपने बेडरूम में है। तो रंजना मोहन के बेडरूम में चली जाती है और मोहन को कहती है दामाद जी अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हारा दर्द यूं छूमंतर कर दूंगी। और दोनों एक दूसरों को देखते रहते हैं। फिर रंजना कुमुद के पास जाकर उससे बात करने लग जाती है। तभी मोहन आवाज लगाता है कि मुझे पानी चाहिए, तो रंजना उसके लिए पानी लेकर जाती है। मोहन को पानी देने के बाद रंजना की नजर मोहन के हाथ के पट्टी पर जाती है जो खुल रही होती है। तो मोहन की सास कहती है मैं पट्टी ठीक से बांध देती हूँ दामाद जी। जब वो पट्टी बांध रही होती है तो मोहन की नजर सासू माँ के खास जगह पर जाती है और सासू माँ भी ये देख लेती है कि मोहन क्या देख रहा है, पर वो भी उसे देखने देती है। उसके बाद फिर रात हो जाती है और कुमुद अपनी माँ को सोने के लिए कमरा दिखा देती है कि जाओ माँ आप अब कमरे में सो जाओ, और कुमुद मोहन के पास जाकर बेड पर लेट जाती है। फिर क्या, मोहन अपनी बंदूक से संदूक खोलकर कुमुद के साथ खेल शुरू कर देता है और दोनों खूब मस्ती में एंजॉय करते हैं। पर सासू माँ चोरी छुपके से उनका खेल देख लेती है और उसके भी मन में हलचल हो जाती है और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको पलंग तोड़ दामाद जी की स्टोरी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।